नमस्कार, जय जगन्नाथ। पवित्र कार्तिक पूर्णिमा अवसर रे आमर स्वतंत्र कार्यक्रम आ का मा बई को स्वागत करछी मु आलोक। आपण जानिछंती आज पवित्र कार्तिक पूर्णिमा पंचुक व्रतर आज होउछि शेष दिन, अर्थात आज व्रतधारिणी माने हविष्याळी माने पंचुक व्रत को उद्यापन करिवे, जो दीर्घ एक मास काल अति निष्ठार सहित पवित्र मनोभाव रे कार्तिक व्रत पालन करते से कार्तिक व्रत को आज उद्यापित करेंगे। और आमर ये स्वतंत्र कार्यक्रम आज मो सहित जोड़ी हे प्रियदर्शन महांती पूरी महोदधी जोड़ी हे, कारण पूरी महोदधी लगातार दुई वर्ष पर कार्तिक पूर्णिमा अवसर में डंगा बसार किभली आयोजन रही, बोईत बंधन किभली आयोजन रही तार दृश्य देखेबे। संबलपुर शुभश्री बारिक रे, कालीचरण साहू चिलिकार रे, रविनारायण साहू झारसुगुड़ार रे। मु अच्छी वर्तमान श्रीमंदिर सिंहद्वार सम्मुखें। आपण जानते जेहेतु कार्तिक पूर्णिमा रे आज ग्रहण नीति रोच महाप्रभु स्वतंत्र नीतिकांति रोचे, से महाप्रभु सर्वसाधारण दर्शन बंद रही। गत काली 10:55 पहुड़ हाबापर महाप्रभु 12:10 द्वार फिटी जहाँ छतीसा निजोग नीति सब कमिटी बैठक में जो भाई भाव में नीति को त्वरान्वित श्रृंखलित नीति को किभली सरल जो आलोचना होता ठीक से ही भाव में नीति सेवायत मान द्वारा श्रृंखलित भाव में चलुच्छी। प्रथम मुझ पथित पावन सानिध्य नाक आम अगणित दर्शक मानक कहि, कारण आप जानते जो मैंने श्रीमंदिर आसी पारती ना से घर रहीकि अर्गस न्यूज मध्यम स्क्रीन मध्यम पथित पावनकर से दिव्य दर्शन करें। पथित पावन आज सुवर्ण बेश झटकुं पथित पावन ठार आज जरी जम्बुरा संपूर्ण आपाद मस्तक सुवर्ण बेश विभूषित होती, कितु जरी जम्बुरा लगी। कितु गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ आज श्रीक्षेत्र महाप्रभु राजाधिराज बेश सुवर्ण बेश दर्शन देवे। मोटामोटी भाव में आप जानते जेहेतु ग्रहण नीति रोचे से सर्वसाधारण दर्शन बंद रही जाइए। गत काली रात 12:10 जिते श्रीमंदिर द्वार फिटी तमाम नीतिकांति मंगला आरती मैलम तड़प लगी एवं अवकाश नीति पर महाप्रभुंकर से सुवर्ण बेश अनुष्ठित होता। सेवायत मैंने महाप्रभुंकर कहींपर दुर्लभ सुवर्ण बेश करते महाप्रभु आपाद मस्तक सुवर्ण बेश विभूषित होती, किंतु वर्तमान दर्शन बंद रही। 6:00 बेलू दर्शन सका 6:00 बेलू सर्वसाधारण दर्शन आरंभ हे। जो निष्पत्ति निया ग्रहण नीति 12:10 द्वार फिटापर 2:30 मध्य महाप्रभुंर सुवर्ण बेश अनुष्ठित हे। ठीक से ही भाव में नीतिकांति संपूर्ण श्रृंखलित होती। 2:30 मिनिट्रे महाप्रभुंर सुवर्ण बेश अनुष्ठित होती। वर्तमान महाप्रभु सुवर्ण बेश रत्न सिंह सिंहासन अधिष्ठित अच्छा महाप्रभु बर्तमान सकाल धूप नीति शेष हो कि समय पर महाप्रभु प्रथम भोग मंडप उठब। गुरुत्वपूर्ण कथ हूँ प्रथम भोग मंडप जहाँ समय निर्धारण कर 5:50 प्रथम भोग मंडप उठब, कारण आप जानते जेहेतु ग्रहण स्पर्श रुईटा 38 मिनिट्रे ग्रहण स्पर्श रोचे तार 9 घंटा पूर्व सूर्यपरागे 12 घंटा पूर्व देवनीति पाक निषेध कर, किंतु चंद्रग्रहण चंद्रग्रहण 9 घंटा पूर्व देवनीति को बंद कर पाक निषेध रहा, अर्थात 5:54 देवनीति पाकत्याग संपूर्ण रूपे निषेध रहा। पूर्व भोग मंडप उठबार जहाँ नीतिकांति चूड़ांत कर छतीसा निजोग, जदि भोग मंडप 5:50 जहाँ निर्धारित समय करदी 5:50 भोग मंडप उठब तेब निहाती भाव में भक्त मैंने महाप्रभुंर से दुर्लभ राजा राजेश्वर बेश से सुवर्ण बेश निहाती भाव में दर्शन करेंगे, कारण लगातार 2 वर्ष महाप्रभुंर से सुवर्ण बेश दर्शन रू भक्त वंचित थे। आप जानते वर्षकू 5 थर महाप्रभु सुवर्ण बेश विभूषित होती, रत्न सिंहासन 4 थर विभूषित होती, रथ आरूढ़ अवस्था गोटे थर विभूषित होती। पौष पूर्णिमा दोल पूर्णिमा विजय दशमी और आज पवित्र दिन कार्तिक पूर्णिमी में महाप्रभु रत्न सिंहासन सुवर्ण बेश विभूषित होती। वर्तमान महाप्रभु रत्न सिंहासन सुवर्ण बेश विभूषित होती, कितु कौन भक्त श्रद्धा को छड़ा जाए ना, जेहेतु महाप्रभु भोग मंडप नीति आज किसी समय पर शेष हम और भोग मंडप नीति शेष हाँपर सका 6:00 भक्त श्रद्धा मानक छड़ा जावाक जहाँ निष्पत्ति नहीं। ये तमाम नीतिकांति चंद्रग्रहण पर स्वतंत्र नीतिकांति अनुष्ठित हे और जितेबाला ग्रहण स्पर्श हे, अर्थात 2:38 मिनिट्रे जितेबाला ग्रहण स्पर्श हे से स्वतंत्र नीतिकांति महाप्रभु आरंभ हे। ग्रहण महास्नान खईकोरा भोग कर 6:18 मिनिट समय ग्रहण सर्वमुख्य होगापर जो भाई भाव में भोग मंडपुर नीति बंद रही, ठीक से ही भाव में भोग मंडपुर नीति बंद रहा मध्यान्ह धूप हम
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ହେବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାଦୀପ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶରେ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ସଜା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କର କହିପାରିବା ଜରି ଜମ୍ବୁରାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ ଆକୃତିର ସଜା ହେଇଛି। ଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂଜାପଣ୍ଡ ସାମନ୍ତ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି ପୁରା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଁ ଖାଁ ରହିଛି, କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଇନି। ଯେହେତୁ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଉଠିବ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ 6 ବେଳେ ଯାହା ଛଡ଼ାଯିବ ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି।